हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे और उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है वो होता है बोन लेंथ। ठीक है, बोन लेंथ होता क्या है? बोन लेंथ इज डिफाइंड एज द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं, H2 मॉलिक्यूल बना दिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या थे, दोनों एटम थे, ये एक एटम था ये दूसरा था, दोनों ने कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से स्फेरिकल शेप के अंदर रहा होगा, ये इसका न्यूक्लियाई है। जो दूसरा एटम है वो भी इस तरीके से ही रहा होगा और ये इसका न्यूक्लियाई है। इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बोन लेंथ कह रहे हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं हम, बोन लेंथ। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो बोन लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, ये मान लो हमारा एटम ए था ये बी था, तो इसकी जो ये रेडियाई हो गई ये किससे डिनोट करेंगे, आर ए से, और ये किससे डिनोट करेंगे, आर बी से। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर ए प्लस आर बी। ठीक है, तो इनकी जो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस थी इन बिटवीन टू एटम्स उसे हम क्या कह रहे हैं, बोन लेंथ। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में जैसे बाद में रब कर दूंगी तो आप अभी अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन लेंथ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बोन लेंथ को अफेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पर जो बोन बना, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये जो बोन है इसकी लेंथ कितनी होगी, बेसिकली हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर एंड साइज ऑफ द एटम। किसने साइज का एटम होगा, क्या नेचर रहेगा, मोर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स मोर इज द बोन लेंथ। जितने बड़े साइज का एटम होगा उसकी जो रेडियाई है वो भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो जब दो एटम आपस में, एक तो बिल्कुल इतने स्मॉल स्मॉल साइज के दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक इतने बड़े साइज के कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिनका साइज ज्यादा होगा उनके बीच में बोन लेंथ भी ज्यादा रहेगी। तो वही बात यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिया है एच आई एच बी आर और एच सी एल का। जो बोन लेंथ है वो मैंने इसके नीचे लिखी हुई है, एच आई की है 160 पिकोमीटर, एच बी आर की है 141 पिकोमीटर और एच सी एल की है 127 पिकोमीटर। जब भी हम फ्लोरीन फैमिली के अंदर डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उससे नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो क्लोरीन का एटम था ये इस साइज का था और इसके साथ ये हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, एच सी एल बना रहा है ना, तो इनकी जो बोन लेंथ है वो इतनी है। फिर जो ब्रोमीन था, डाउन द ग्रुप जब भी हम मूव करते हैं तो हमेशा जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता चला जाता है। तो जो ब्रोमीन होगा इसका साइज इतना था और इसके साथ जो हाइड्रोजन था वो उसी साइज का प्रेजेंट है, लेकिन लेंथ तो बढ़ गई यहाँ पर। इसी तरीके से आयोडीन अब इतने बड़े साइज का हो गया और हाइड्रोजन इतना है, तो लेंथ यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। क्लियर, तो यहाँ सबसे ज्यादा एच आई की है, फिर एच बी आर की और सबसे कम किसकी है, एच सी एल की है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, अब मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए ये क्या होता है, विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड इन हाइब्रिडाइजेशन ग्रेटर इज द एस करेक्टर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, और जो जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जैसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, और उससे दो लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है, तो अगर सिंगल करके हमने पकड़ा हुआ है तो ज़्यादा लेंथ रहेगी, फिर उसी रस्सी को हमने मोड़ लिया, अभी से डबल कर लिया, डबल करके पकड़ा है तो उसकी लेंथ कम हो गई, और फिर अगर उसी को हमने ट्रिपल कर लिया तो उसकी लेंथ और भी कम हो जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रहती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के केस में, अगर सिंगल बॉन्ड है दो चीज़ों के बीच में तो बहुत लंबा रहेगा, और जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, फिर इसी को हमने डबल कर दिया, इस बॉन्ड को तो डबल हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया इसने, तो अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर इसी को हमने एक बार और मोड़ के क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, है ना, तो अब जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम रहेगी। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी रहती है, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी रहती है, ट्रिपल की रहती है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है
उसके केस में अभी आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगी उनके अंदर किसी ना किसी वीडियो में। तो देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 sp3 रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जहाँ भी कार्बन के रिगार्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, आप आंखें बंद करके अगर कभी भी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा हो दूसरे कार्बन के साथ, के सारे जो उसके सराउंडिंग में जितने भी बॉन्ड है अगर सारे सिंगल हो तो समझ लेना वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आंखें बंद करके आप लिख सकते हो sp3। अगर कार्बन ने एक भी डबल बॉन्ड बना रखा होगा तो वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगी, और अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा होगा तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड थे सारे के सारे तो sp3, यहाँ डबल एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। चाहे आप इस कार्बन के लिए देखें हाइब्रिडाइजेशन, चाहे इसके लिए, दोनों के लिए ही sp रहेगी, ठीक है? क्योंकि दो चीजों के बीच में जब बॉन्ड आ रहा है तो दोनों ही डबल बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में sp, डबल में sp2 और सिंगल में sp3। अब देखिए कोई 100% चीज है हमारे पास और उसमें से एक पार्ट तो है s और 3 पार्ट है p। sp3 है ना, p तो 10 टाइम है और s क्या है, सिंगल टाइम प्रेजेंट है। तो 100 को डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 25% तो कौन सा करेक्टर है यहाँ पे s करेक्टर, और 75% कौन सा रह गया p करेक्टर। मैंने यहाँ पर सिर्फ s करेक्टर लिखे हुए हैं। अब 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट तो s करेक्टर है और 2 पार्ट क्या है p करेक्टर है, तो नियर अबाउट 33% आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ sp है, यानी एक पार्ट तो s है और दूसरा क्या है p है, तो 50-50 हो गए दोनों। तो जितना ज्यादा s करेक्टर रहेगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। अब इसके पास 50% s करेक्टर था तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इससे ज्यादा s करेक्टर इसके पास है तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, और इसके पास सबसे कम s करेक्टर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो जो बॉन्ड लेंथ है वो s करेक्टर के जस्ट अपोजिट होती है, जितना ज्यादा s करेक्टर उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। लास्ट है बॉन्ड एंगल। जब भी हम कोई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उस टाइम के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स की लाइन रहेंगी उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसे ही हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आता है। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है, इसके लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 का होता है, 109 नियर अबाउट इतना हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही NH3 में NH3 का एग्जांपल हमने लिया, अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने और एक क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसे हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहेंगे, लोन पेयर, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवा रखा, अपने पास एज इट इज रखे हुए हैं। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतने ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाता है। किस रीजन की वजह से, ये जो लोन पेयर होता है ये रिपेल करना शुरू कर देता है, रिपल्शन हो जाता है इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के अंदर, इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो जो ये बॉन्ड होते हैं जो यहाँ इतने चौड़ाई पे आने चाहिए थे, ये क्या करते हैं, रिपल्शन की वजह से श्रिंक कर जाते हैं, और श्रिंक करने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है। अब यहाँ तो दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये भी इसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट के साथ रिपेल करेगा और ये इसे कर रहा होगा, तो ये दोनों क्या हुए, जो यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए थे वो श्रिंक कर गए और बॉन्ड एंगल कितना हो गया 104.5, या 109 था एक लोन पेयर आए तो 107 हो गया, दो लोन पेयर आए तो 104.5 डिग्री रह गया। यानी जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। इस केस के अंदर 3-3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है इस बोरोन के सराउंडिंग के अंदर, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस के पास प्रेजेंट है, कोई लोन पेयर नहीं है, एटम नंबर ऑफ एटम भी इसकी सराउंडिंग में कम है, तो बॉन्ड एंगल कितने का है 120 डिग्री का है, जो कि काफ़ी हाई होता है, ठीक है? तो हाइयर, काफ़ी हाई बॉन्ड एंगल है इसके अंदर। जितने लोन पेयर ज्यादा रहेंगे उतना ही जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए, लोन पेयर का अमाउंट जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो ये तो था आपका पैरामीटर बॉन्ड लेंथ के ऊपर बेस्ड। अभी इसी के अंदर एक पैरामीटर और डिस्कस करने वाले हैं हम। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग, इट इज एनर्जी, ठीक है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड सो एज टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स इन द गैसियस स्टेट। एक मोल बॉन्ड को तोड़कर उसके जो एटम्स होने गैसियस स्टेट के अंदर अलग सेपरेट आउट कर देना, इस चीज के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर, जो एनर्जी है उसे किलो जूल मोल इनवर्स के लिए, और मोल क्यों लगाएं क्योंकि हमने यहाँ पे वन मोल के बारे में बात की है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे कि भाई कौन से
ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन से ऐसे होंगे जिनको ब्रेक करने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए फैक्टर्स हैं साइज ऑफ एटम और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। दो फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, साइज के बारे में और मल्टीप्लिसिटी। अब साइज जितना बड़ा होगा, ग्रेटर इज द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, जितना बड़ा साइज का एटम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी i.e. लेस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ही वो कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें कम अमाउंट के अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर सिंगल बॉन्ड है, सारे हमने एग्जांपल्स दिए काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जिनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट था, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सबसे कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी जो सबसे बड़े साइज के होंगे, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें अगर थोड़ी अमाउंट में भी एनर्जी दी तो वो बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, भाई एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी थी, बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो दो, जितने एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी उससे डबल देनी पड़ेगी तब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और ट्रिपल एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, उससे कम डबल को, और सबसे कम किसको लगती है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रहेगी उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एटम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर से क्या समझते हैं, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे किन्हीं दो एटम्स के बीच में उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। इन द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जितनी लाइन्स से हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जैसे H2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इसके बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। इसी तरीके से O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है N2 होता है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, जो दो एटम नाइट्रोजन के एटम्स को आपस में अटैच करके रखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इस केस के अंदर, 3 हो गया। यानी जितने भी लाइंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जितने बॉन्ड हम दिखा रहे हैं दो एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करवाने के लिए, वही क्या कहलाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, नहीं, ये इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, चाहो तो आप इन मॉलिक्यूल्स को याद कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट रहता है। आपके जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर आपने 3 पैरामीटर पढ़े हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर, और इनको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में कंप्लीट आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है। लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो, इन्हें आराम से अलग अलग आप सेपरेट सेपरेट पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यही चीज़ें अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद याद करें। एक बार में हो सकता है आप 100% एब्जॉर्ब ना कर पाएं, तो मल्टीपल टाइम्स इसे रिपीट करें तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये ख़त्म हो गए।